सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वैभव तिवारी और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डेंटल ब्रिजेस के बारे में। अगर आप फिक्स दांत लगवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कितने टाइप्स के ब्रिजेस होते हैं जिसके द्वारा आप अपना दांत फिक्स करवा सकते हैं। तो ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपको मिलते रहे। साथ ही साथ अगर आप मुझसे गाइडेंस पाना चाहते हैं, अपने डेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पे एक वीडियो है, वो वीडियो को देखिए और उस वीडियो को फॉलो करके आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक और बात बता देता हूं, जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, नया है इस चैनल में, मैं आपको बता दूं कि यह है एक डेंटल का ऑथेंटिकेटेड चैनल जहां पे आपको मिलती है डेंटल से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी। आप जाइए वीडियो लिस्ट में, हर टॉपिक में मैंने वीडियो बनाया है, इवन चाहे वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो, डेंटल इम्प्लांट हो, लाइफ ट्रीटमेंट के केसेस भी दिखाए हैं। तो बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन उस वीडियो को देख के मिलेगी, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, डेंटल ब्रिज इसके ऊपर डिपेंड करता है कि दांत की कंडीशन कैसी है। अगर किसी का एक दांत मिसिंग है, दो दांत मिसिंग है, पीछे के मिसिंग है, आगे के दांत है, सपोर्ट प्रॉपर नहीं है दोनों तरफ से, तो बहुत सारी कंडीशंस में डेंटल ब्रिजेस डिपेंड करते हैं कि कौन सा डेंटल ब्रिज आपके लिए बेस्ट रहेगा। यहाँ पे मैं आपको एक एक करके कितने टाइप्स रहते हैं वो सब बताऊंगा और किस तरह से वो काम करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ डेंटल ब्रिज चार टाइप्स के होते हैं। सो फर्स्ट नंबर में आता है ट्रेडिशनल ब्रिजेस। ट्रेडिशनल ब्रिजेस मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है फिक्स दांत लगाने के लिए। इसमें क्या प्रिंसिपल होता है, इसमें ऐसा प्रिंसिपल होता है कि अगर आपका मान लीजिए दांत नहीं है, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, अगर आपका दांत मिसिंग है तो इसमें क्या किया जाएगा, जहाँ पे आपका दांत नहीं है उसके लेफ्ट और राइट साइड के दांतों का सपोर्ट लिया जाएगा और दांत डाला जाएगा, ठीक है। अब ये कंडीशन हो सकती है कि आपका एक दांत मिसिंग है या दो दांत मिसिंग है या तीन दांत मिसिंग है, उसमें यही प्रिंसिपल रहेगा कि जहाँ पे दांत नहीं है उसके आगे और पीछे, मतलब लेफ्ट और राइट साइड का सपोर्ट लेके ब्रिज डाला जाता है। तो इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल ब्रिजेस, जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। तो ये एक फिक्स दांत लगाने का एक तरीका है जो आप करवा सकते हैं। अब हम सेकंड ऑप्शन में जाते हैं, तो सेकंड ऑप्शन आता है हमारे पास कैंटीलेवर ब्रिज। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप देख रहे हैं फोटोज़ में, जैसे मान लीजिए हमारे कैनाइन के पीछे प्रीमोलर है, वो नहीं है, मिसिंग है और पीछे कोई दांत नहीं है, लेकिन स्माइल करने में हमारा ये सामने का एरिया दिखता है, तो क्या होता है, हमको कैनाइन का सपोर्ट लेके हम पीछे दांत डाल देंगे, तो इसको बोलते हैं कैंटीलीवर ब्रिज, ठीक है। ये ज़्यादातर आगे के दांतों में और साइड के दांतों में कर सकते हैं, पीछे के दांतों में ये एडवाइजेबल नहीं होता, क्योंकि ये एक ही तरफ से सपोर्ट लिया है, तो बाय द लीवर प्रिंसिपल, लीवर प्रिंसिपल के कारण अगर हम पीछे डालेंगे तो लीवर प्रिंसिपल पड़ेगा और वो दांत कैप निकल जाएगी। मतलब क्यों, क्योंकि एक ही तरफ से सपोर्ट है, दूसरे तरफ से सपोर्ट नहीं है, तो प्रेशर ज़्यादा आएगा तो जहाँ पे कैप का सपोर्ट है वो निकल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ के कारण पीछे के दांत में एडवाइस नहीं होता है, सिर्फ आगे या साइड के दांतों में कर सकते हैं। तो ये हो गया कैंटीलीवर ब्रिज। अब हम आगे बढ़ते हैं और तीसरे नंबर में आता है मैरीलैंड ब्रिज। तो ये जो मैरीलैंड ब्रिज होता है गाइस, ये भी आगे के दांतों में एडवाइस किया जाता है। आगे इसमें क्या होता है, इसमें पीछे के दांतों से सपोर्ट लिया जाता है, मतलब मान लीजिए एक दांत नहीं है, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, तो इसमें क्या किया जाएगा, लेफ्ट और राइट साइड के दांतों से सपोर्ट लिया जाएगा, लेकिन पीछे से लिया जाएगा, आगे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ पीछे के सपोर्ट लेते हैं। उसमें मेटल फ्रेम्स बनते हैं जिसमें जो पीछे से बॉन्डिंग किया जाता है, जिसको रेजिन बॉन्डिंग बोलते हैं, और इसके द्वारा दांत को फिक्स किया जाता है। इसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, बट इतना ध्यान रखना है आपको कि सपोर्ट सिर्फ पीछे साइड से है, तो कड़क चीज़ आपको काटना नहीं है, नॉर्मल आप खाना पीना खा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस थोड़ा हार्ड चीज़ का अवॉइड करिएगा, ये ध्यान रखना है, और इसकी लाइफ भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो गाइज ये भी मैं आपको बता दिया, सिर्फ सामने के केसेस में एडवाइजेबल रहता है, पीछे के दांतों में नहीं होता। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है कि ये सिर्फ एक अगर आपका दांत मिसिंग है तो उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो ये हो गया मैरीलैंड ब्रिज। फोर्थ नंबर में आते हैं, तो फोर्थ नंबर का जो ब्रिज आता है वो होता है इम्प्लांट सपोर्टेड ब्रिज। अब कई व्यक्तियों में ऐसा कंडीशन होता है कि बहुत सारे दांत गिर चुके हैं, मिसिंग हो चुके हैं, तो ऐसे कंडीशन में इम्प्लांट प्लेस किया जाता है और इम्प्लांट के सपोर्ट से ब्रिज लगाया जाता है। कई लोगों के तो दांत ही नहीं है बिल्कुल, तो उसमें क्या किया जाता है, फुल माउथ इम्प्लांट करके ब्रिज डाला जाता है, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, तो दूर दूर में इम्प्लांट डाला जाता है और उनके सपोर्ट में कैप्स लगाई जाती है, ब्रिज लगाया जाता है, ठीक है। और कई केस में क्या होता है कि कुछ नेचुरल दांत रहते हैं, तो इसमें कैसा है, जैसे मान लीजिए आगे के दांत है, पीछे के दांत नहीं है, तो पीछे में इम्प्लांट डाला जाएगा, ठीक है, और आगे के दांत
हफ्ते में एक सपोर्ट लिया जाएगा और इम्प्लांट में सपोर्ट लेके ब्रिज डाला जाएगा। तो इस तरह की कंडीशन में भी डेंटल इम्प्लांट डाल के ब्रिज बनाते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैंने आपको चार ऑप्शंस बताए कैसे कैसे ब्रिज लगाए जाते हैं और कैसे दांत को फिक्स किया जाता है। होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक करके इंकरेज जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि आपकी फैमिली और फ्रेंड्स को भी पता चले, उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो भी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद जय भारत।